दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रकाश होता क्या है और इसका परावर्तन कैसे होता है और इसके क्वालिटीज भी क्या क्या हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। तो नॉर्मली अगर हम इस टॉर्च के बटन को ऑन करते हैं तो इसके फ्रंट साइड से एक रोशनी निकलती है जो नॉर्मली रिफ्लेक्ट होकर किसी मटेरियल पर जाती है और इसे ही हम प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये प्रकाश होता क्या है? दरअसल ये एक ऐसी चीज है जो किसी वस्तु से टकराने के पश्चात हमारी आंखों पर आती है और हम उस वस्तु को तभी देख सकते हैं जब वो अपने अंदर प्रकाश को सोखे और वो वस्तु हमें उसी रंग की दिखेगी जिस रंग को वो कैप्चर करेगा या उस रंग की दिखेगी जिस रंग को वो सोखेगा। जिसे हम इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती। और अब बात करते हैं हम इसके प्रॉपर्टीज यानी इसके गुण के बारे में। तो इसकी क्वालिटीज ये हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है और इसे चलने के लिए किसी भी माध्यम या मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सूर्य से जो रोशनी आती है वो भी अंतरिक्ष से होकर ही आती है और अंतरिक्ष एक निर्वात है, यानी प्रकाश की किरणें अंतरिक्ष में भी गति करने के साथ साथ जल में गति कर सकती हैं, वायु में भी गति कर सकती हैं और कांच के भी आर पार जा सकती हैं, जिसकी गति या स्पीड 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम फोटॉन कहते हैं और फोटॉन की एनर्जी mc² होती है। और चूंकि आपने प्रकाश के बारे में सब कुछ समझ लिया है तो प्रकाश के परावर्तन को समझने में आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होने वाली है। तो जैसे ही लाइट रे किसी सोर्स से निकलने के पश्चात किसी ऐसे वस्तु से टकराकर परावर्तित हो जाती हो जो प्रकाश को बिल्कुल भी न सोखे, तो इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इस घटना में ये जो आती हुई किरण दिख रही है उसे हम आपतित किरण या इंसिडेंट रे भी कहते हैं और ये जो टकराने के बाद आ रही है उसे हम परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे भी कहते हैं। और ये परावर्तित किरण जिस वस्तु से टकराकर आती है उसे हम परावर्तक पृष्ठ या रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी कहते हैं। और परावर्तक पृष्ठ पर वह बिंदु जिस पर आपतित किरण टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। और इस बिंदु से अगर एक लंब खींच दिया जाए तो वह अभिलंब होगा। और यहाँ आपतित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, तथा परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। और प्रकाश के परावर्तन का ये एक नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है।